के मौसम को देखते हुए उत्तराखंड के जल संस्थान विभाग ने बरसात के मौसम में उत्तराखंड के अधिकांश जिलों में क्षतिग्रस्त पाइपलाइनों को पूरी तरह से दुरुस्त कर दिया है, जिसमें 52 पाइपलाइनें बारिश के कारण क्षतिग्रस्त हो गई थी, जिनमें से 48 पाइपलाइनों को अस्थायी रूप से जोड़ दिया गया है। जल संस्थान की महाप्रबंधक नीलम गर्ग ने कहा कि उत्तराखंड में 38 संचालन केंद्र हैं, जिसमें लोग अपनी शिकायत इन संचालन केंद्रों पर दर्ज करा सकते हैं। जो भी योजना क्षतिग्रस्त हो गई है उसे पूरी तरह से दुरुस्त किया जा रहा है। देखिए, विभाग की तरफ से मटेरियल रेडी रखा जाता है और हमारे 31 शाखाएं हैं पहाड़ों में, वहाँ पर हम SDPE पाइप भेज देते हैं, जिससे जो भी योजना क्षतिग्रस्त होती है उसको हम तुरंत ही 1 या 2 दिन में रिपेयर कर लेते हैं। तो अभी तक 52 योजनाएं क्षतिग्रस्त हुई, जिसमें से 48 रिपेयर कर ली गई हैं। जो योजनाएँ क्षतिग्रस्त थी वो देहरादून में पौड़ी, चमोली और अल्मोड़ा में क्षतिग्रस्त थी। तो अभी भी 4 योजनाएँ रह गई हैं, जिसमें से 2 कुर्द्वार में है, खरका और दुर्गापुर, और अल्मोड़ा में लमगड़ा ब्लॉक में है 2 योजनाएं, जो 2 दिन में चालू कर दी जाएंगी। हमारे विभाग में 2 टोल फ्री नंबर हैं जो कंट्रोल रूम है, उसमें एक 1916 है और दूसरा है 1800 180 4100। तो कोई भी अगर कहीं योजना क्षतिग्रस्त होती है तो उस पर शिकायत कर सकते हैं। इसके अलावा सभी 13 शहरों में अलग अलग कंट्रोल रूम है, सभी एक्सियंस के पास, वहाँ भी